आप देख रहे हैं तेज खबर न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगा कासम के साथ, जो इस इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत है। आइए इनसे जो हुकूमत ने SOPs बनाई थी उनके मुताबिक सवाल करते हैं कि आगा साहब आपकी क्या राय है इसके मुताबिक। जी वालेकुम सलाम, आपको भी पता है ब्रदर, जो हुकूमत वक्त ने जो असलाहत मरतब की थी कोरोना से रिलेटेड, उस पर तो अमल होता हुआ नज़र नहीं आया। रिलैक्सेशन देने का मतलब हर चीज़ ये नहीं था कि जो अख्तियाती तदाबीर दी गई है तो उसका नजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। आप तो जानते हैं कि जब इजाज़त दी गई है केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि मेडिकल की जो सहूलियात है वो से रिलेटेड बहुत कम है हमारे पास। खुदा ना करे कि हम उन मुल्कों के साथ शामिल हो जाएं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर साहब फवाए गर्दिश कर रही हैं लॉकडाउन के वाले से कि बढ़ रहा है लॉकडाउन, आपका क्या ख्याल है, ये बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मतलब मेरी तो राय यही है कि लॉकडाउन को मजीद नहीं बढ़ना चाहिए, मगर जो SOPs गवर्नमेंट ने हमें मरतब की हुई हैं उस पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने हमें दुकानों पर डिस्टेंस की बताया है कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, जो कस्टमर आते हैं वहाँ उन पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये कि दुकानदारों का दोबारा फिर दुकानें बंद होना वगैरह, ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम माशरे में रह रहे हैं यहाँ चीज़ चलनी चाहिए। हाँ, अमल दरामद करवाना गवर्नमेंट या हुकूमत वक्त का है कि वो करवाएँ, बिल्कुल करवाएँ, मगर ये एक लॉकडाउन मजीद नहीं बढ़ना चाहिए। थैंक यू जनाब, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तेज़ खबर न्यूज़ का जिन्होंने